ओ यार ये मुझे इससे डर लग रहा है। मतलब ये भाईजान ओ तेरी खैर हो जे। और इसके साथ मैंने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। चल भाई, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, ईद मुबारक। और अभी मैं क्योंकि चेक कर रहा हूँ शानी क्या बना रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है, कैमरा भी ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो मैं पहले चेक कर लूँ कि क्या बन रहा है, उसके बाद दोबारा बनाते हैं। आओ जी, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, ईद मुबारक आप सबको। उम्मीद है आपकी ईद सबकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। ज़ाहिर है ईद पर कुर्बानी करनी होती है, तो कुर्बानी करने के लिए इससे बेहतर कोई ऑप्शन आपके पास हो नहीं सकती कि आपके दोस्त का डेरा हो और वहाँ पर आप जानवर बांध दें और वहीं पर आएँ सुबह सुबह। खैर मैं सुबह सुबह तो नहीं आया, मैं तो काफ़ी लेट उठा था वैसे, लेकिन आप आएँ और फिर आके आप कुर्बानी करें वहीं पे और फिर घर जाएँ और जो तकसीम करना है वो कर दें। आज ही पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं उन प्यारे प्यारे जो आज जा रहे हैं। आज यहाँ पे एक इसके बड़े को खतरनाक किस्म का एक वैसे कुत्ता भी होता है, कुत्तों से मुझे बहुत प्यार है लेकिन दूर से खरीद से नहीं। तो आए जी भाईजान, उधर ही रहिएगा आप प्लीज़। है ठीक है, अच्छा जी, तो ये यहाँ पे बहुत सारे आपको जानवर नज़र आएंगे वैसे, लेकिन ये सारे हमारे नहीं हैं। उमर, क्योंकि मेरा जो बचपन का दोस्त उमर है, ये जिसका डेरा है वो भी उमर है, जो मेरा बचपन का दोस्त है वो भी उमर है, तो ये भी तकरीबन बचपन का है लेकिन ये थोड़ा सा आगे का है, जो जिसके बकरे में आपको दिखाने लगा। और ये आप चेक करें, ये सबसे पहले आप चेक करें, इधर आओ ना, ये बच्चों के लिए लेके आए हैं ये, लेकिन हम भी तो क्योंकि बच्चे ही हैं तो आए बेटा। ये नहीं आना चाह रहे, लेकिन ये बहुत ही प्यारे किस्म के जानवर हैं और ये इनका साइज़ मुझे पता चला है कि इतना ही रहता है, टेडी बकरे कहते होंगे इनको। खैर अच्छा जी, आगे आ जाएं, ये अब आप देखें जी यहाँ पे, ये जो अंदर ये जो हैं ये वाले बकरे अपने, ये हो गया वो हो गया, ये उमर के और मेरे बकरे हैं और जो वेड़े हैं बच्चे जिनको आप बोलते हैं वो भी साइड में बंधे हुए हैं और ये छोटे हैं बच्चे, वो उसके लिए ये बच्चे ये कुर्बानी के लिए नहीं है। खैर एनीवेज, हम ज़रा कोशिश करते हैं कि इनको अपने हाथों से अगर हम इसको चारा खिलाएं तो क्या फिर ये हमारे पास आएंगे। बेटा ये देखो कितना अच्छा हूँ मैं, देखो इतना अच्छा हूँ मैं। हाँ आप भी खाना चाहते हो, आपको मैं दूसरा खिलाऊंगा, आप नहीं खाना नहीं। चल खा ले, पहले तो बड़ा खा रहा था, लगता मेरे सामने नखरे खा रहा है। नहीं लेकिन आपने देख लिया ना कितना क्यूट है, मैं करीब ला रहा था उसको, पकड़ के ले जाऊंगा तुझे, अच्छा सींग ही ना मारते वैसे। अच्छा आए जी, अब अपने बकरों के पास चलते हैं, उनको कुछ खिला पिला देते हैं क्योंकि आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और उसके बाद उनसे पता नहीं मुलाकात होना हो तो। एक वैसे भी ना एक आपको ना एक लगाव सा हो जाता है ज़ाहिर है, क्योंकि वो लगाव ना हो तो फिर मेरा ख्याल है वो ईद का जो मज़ा होता है वो भी नहीं उस तरह से आता। हाँ जी आए जी, ये गाना था, आ जाओ इधर आ जाओ, किस किस ने खाना है। हाँ यही है फेवरेट डिश, देख रहे हैं इधर इधर करीब लाए, देखें स्पीड चेक करें अब इनकी, आप पहले ऐसे बैठे हुए थे जैसे आज बस इन्होंने उठना ही नहीं है। सोने हो, खा लो खा लो खा लो आज। ओह कहता नहीं, डोंट टच मी, डोंट टच मई चारा, वो तेरी खैर हो जाए। बहुत प्यारे बहुत मासूम जानवर, ओए देख तारीफ की है अभी, सारे इसने टूट करा दिया है। दो हाथों में खिला देता हूँ, तेरा अलग ले आता हूँ, उसको भी खाने दे। यार ये बड़ा डेंजरस किस्म का है, ये तंग कर रहा है। ओए हाँ कह रहा है, चलो मैं और लेके आता हूँ, यू प्लीज़ वेट, मैं पूरी बाल्टी पकड़ लेता हूँ। लेकिन बाल्टी पकड़ने का नुकसान ये होता है कि ये वाला जो छोटा छोटा जो बच्चा है ये भी इधर आ जाता है। हाँ ये देखिए, ये बड़ा शरारती है। नहीं 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 कोई चक्कर नहीं, चलो जी आओ। देखा बाल्टी की देर थी कि ये इधर आ गया। ओ यार ये मुझे इससे डर लग रहा है, जो है छोटा सा। अच्छा तेरे लिए क्या करूँ, क्या चाहिए? आजा आजा, नहीं यार ये अच्छा, ये जितने प्यारे हैं उतने इनके नाज नखरे भी हैं वैसे। इसका नाम होना चाहिए शेरू। शेरू बेटा, शेरू बेटा, ईट समथिंग, इट्स टाइम टू गो, थोड़ा सा टाइम रह गया है जाने में, इसमें से खाना है, चलो जहाँ से मर्जी खाना खा लो। हाँ इधर से खा रहा है भाई, उम्र दा बकरा है ना, उन्हें क्या थोड़ा सा नहीं खाना मैंने,
मुझे ज़्यादा खिलाओ। गबरू जवान तुम तो खाएगा, तू तो टकरे मार मार के खा रहा था ना। ले जी, इनका अभी खाने का टाइम है तो अब इनको थोड़ा सा मैं खिला देता हूँ और इसके बाद हम फिर आपको हाय उमर से हाय टू द कैमरा। दिस इज़ उमर, ही इज़ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन एंड कैमरा शाय पर्सन। तो हम इसको तरीके तरीके से बुला के कैमरे में ले आते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि हमने कभी पिक्चर लेनी होती है तो हम कहते हैं सारे इधर आ जाओ, तो पता चलता है उमर तो गाड़ी में बैठा हुआ है। बट कोई बात नहीं, करना पड़ता दोस्तों में इतना सा बर्दाश्त, इतने सालों से कर रहे हैं बर्दाश्त तो अभी मजीद कर लें। क्या हुआ बेटा, है ही नहीं कुछ हाथ में, बहुत खा लिया है, बहुत खा लिया, अब हमारी बारी। अच्छा जी, तीन बच्चे मतलब तीन बेड़े और आठ बकरे हो चुके हैं और अभी चार बकरे और उम्र के दो बेड़े, वो भी खोलते हैं तो आपको दिखाते हैं। वो उम्र साहब खोलेंगे ना अभी तो आपको दिखाते हैं। ओए होए होए, मतलब ये भाईजान, ओ तेरी खैर हो जे। मतलब सीन्स कुछ ऐसे हैं जी कि ये गुजरते गुजरते ऐसे जब जा रहे हैं ऐसे शरीफ शरीफ बन के ऐसे ऐसे गुजरा और हाँ भाई बहुत यार ये बच्चों के लिए तो बड़े खतरनाक है। हमारे कैमरामैन का ट्राउजर जो है पसंद आ गया है। हाँ यदि भरा दी बना ले जी, ये बच्चा नंबर वन उमर भाई का और ये जो बच्चा है माशाल्लाह, ओहो हो बहुत अथरा है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ बस बस ठीक है। ओह बस ये उसने कहा कि मैं बिफोर गोइंग टू यू नो आफ्टर लाइफ आई शुड शिट, सो ही शिटिंग राइट नाउ, बट इट्स फाइन, पार्ट ऑफ लाइफ ब्रो। अच्छा जी, लेट्स गो, लेट्स डू दिस। क्या मना लेना बर्थडे, बकरे का बस नहीं चाह रहा था, वो कह रहा था मैं 15 पे अभी फोन करूँ और कहे कि मुझे 20 मिनट में मेरे पे कातिलाना हमला हो जाना है तो मुझे यहाँ थाने से दो कॉन्स्टेबल चाहिए अभी और इस वक्त बकरे को फुल हॉरर मूवी दिखाई जा रही है, कॉन्जरिंग 2। एक हिस्सा चाहिए अच्छे वाला सा और 7,000 रुपया पिंड जाना बस का किराया चाहिए। और आप देख रहे हैं नाज़रीन, लोग लगे हैं काम करने और वेले बैठे हुए हैं, इसके अंदर सूप तैयार होगा और आराम से भी। एंड दिस इज वेड़ा नंबर 2। आ गया जी ये जिसके डेरे के ऊपर हम हैं और क्या ये वीडियो बन रही तो हम दस सही ना जरा मैं जरा स्लो मोशन में बनाऊंगा 1 2 अब ठीक। ये है जी राय उमर और ये है उमर फारूक। आओ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ नाजरी। अच्छा ये वाला जो उमर है, ये वाला मेरे लेफ्ट पे, ये मेरा बचपन का दोस्त है। बचपन से मुराद बचपन का जब चड्डियों में घूमते सारे, वो वाला। ये वाला जो ये चड्डियों यदि जवानी थी मेरा बचपन था। हाँ कितना बड़ा है मेरे से, ये मेरे से ही बड़ा है, 4 साल मेरे से बड़ा है ना। ये तकरीबन मेरे जितना है, पूरा मेरे जितना, मेरे से छोटा है तू। एक दो माह बड़ा ये मेरे से। और ये है मेरा स्कूल का दोस्त, तो पता नहीं यार मतलब कभी लड़ाई नहीं हुई हमारी, कभी लड़ाई नहीं हुई हमारी, बनती भी नहीं थी इससे, तो होती रहती है तेरे से, मेरे साथ हम लोगों ने मिलके की थी लेकिन मिलके बहुत मार खाई है, लड़ाई नहीं की, हमने मिलके बहुत मार खाई है और हमें इस बात पर फख्र है। अच्छा और एक दो दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि हमने हमारा एक दो दोस्त जो है वो उमर का यूं, वो भी उमर था वो भाईजान लड़ते थे और वो कहते थे मैं तानू 10 ना बंदे बुला रहे हैं, हम आगे जाते थे और वो पीछे से भाग जाता था। बहरहाल ये कुछ होता रहा। ये वाला उमर जो मेरा दोस्त है ये बड़े अरसे से यूके चला गया है क्योंकि यूके नेशनल था तो इसने जाना ही था एक दिन, जाहिर है यूके नेशनल बंदा और वो पाकिस्तान में रहे ऐसा तो नहीं होता। ए निकल गया सी, फरार हो गया सी बड़े अरसे पहले। ए मेरा सही दोस्त है, इधर ही रहे हैं। फ्रेंडशिप एंडेड विद उमर फारूक, नाउ राय उमर इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो राय अब इधर ही होता है, राय के डेरे पे। अच्छा हाँ, और जो हमारा
ये जो है शानी, ये जो शानी है ये भी मेरा बचपन का दोस्त है। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इसके साथ मैंने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। ये मरासी हमारा दोस्त है और आज इतने दिनों बाद इसलिए मिला है कि इसको पता आज गोश्त मिलना ही मिलना है। तो एक मिनट, गोश्त किसको मिलना है? मतलब हम दोनों को मिलना है, मतलब मेरी उर्दू थोड़ी ख़राब है तो, लेकिन एडजस्ट कर लेना ठीक है ना। और ये हमारी गैदरिंग है। ईद का तीसरा दिन है और हमारा ये हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है ईद पे भी दफ्तर आना है तो तैयार कौन हो के आए, और टेबल पे आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा ये अंदर हुआ हुआ नहीं। कलीग्स हमारे साथ मौजूद हैं, ये मैडम हिना है, इनको 20 साल हो गए हैं खबरें पढ़ते हुए। 20 साल? अच्छा जी, बचपन से शुरू कर दिया था, 5 साल की उम्र में बचपन से देख रहा हूँ मैं। मुझे जब शौक चढ़ा था ना खबरें पढ़ने का टीवी पे आके, तो इनको देख के ही शौक चढ़ा था। ये 1992 की बात है, जरा आप बताइएगा, पीटीवी के एंकर तो नहीं लग रही है? बहुत पुराना मुझे देख रहे हैं यार। देखें अब मेकअप भी तो इतना होता है ना कि बंदे को क्या पता चले। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको ये मैं पहले बता दूं कि ये हमारी हमसाई हैं, देखें ये वहाँ पे, ये सिटी 21 का स्टूडियो है, और ये वाला जो ये पड़ा सारा ये हमारा 24 का स्टूडियो है। ईद मेरी देख लें और इनका तीसरे दिन की तैयारी देख लें, क्योंकि आज थर्ड डे है। क्या चक्कर है, आप लोगों की ईद खत्म नहीं होती? भाई हमारी ईद तो मतलब रहती है, हमारी ईद तो खत्म होती ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि बचपन से कैसे शौक हुआ आपको मुझे देखने का? यार चलें अगली बात पे आ जाएं ना। मुझे बस पहले ये समझाएं जी, लड़कों की ईद होती है पहले दिन सलवार कमीज अच्छा पहना खत्म। ये लड़कियों की ईद आज तीसरा दिन है, आज भी आपने प्रॉपर, ये इनकी ईद खत्म नहीं होती लड़कियों की? हमारी ईद बिल्कुल खत्म नहीं होती। भाई आपको क्यों चले सी फील हो रही है हमारी ईद खत्म नहीं होती? तो आप बने कसाई बने, आप मतलब आपका काम है वो तो मैंने किया है, वो तो मैंने सब किया है, लेकिन तस्वीरों के लिए। बाकी और बताएं, ठीक हैं? कितने भंड मारे फिर ईद पे आपने? ईद पे छुट्टी मिली थी वैसे? नहीं, ईद पे छुट्टी, तीनों दिन आई हैं? मैंने खुद कहा था कि मैं आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा, मैं तो एक दिन आया हूं, दो दिन से दफ्तर में। बात वही आ जाती है ना कि ईद क्यों नहीं खत्म हो रही, इसलिए नहीं हो रही, घर में होते तो फिर बर्तन धोने पड़ जाने थे, तो मैंने कहा मैं ईद पे ऑफिस आऊंगी। ये भी ठीक है भाई कि काम ना करना पड़े तो दफ्तर वालों को कह के ड्यूटी लगवा लो। हां तो शाम में तो फिर इसका मतलब लड़कों की आई सारी, ये हम कुछ नहीं कह सकते, आपकी किस्मत। ठीक है ओके, थैंक यू। तो जी ईद हो गई हमारी और आपने देख लिया किस तरीके से हमारी ईद हुई, और फिर हमने जाहिर है गोश्त पहला दिन तो सारा गोश्त तकसीम करने में लग गया रिश्तेदारों में, और दोस्त हम फिर रात को बैठ गए, और वहाँ पे क्या कुछ हुआ क्या कुछ किया वो मेरा ख्याल है कि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं यहाँ पे लगाऊं, और वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया था। तो आज तीसरा दिन है ईद का, दूसरे दिन भी मैं दफ्तर में था, आज तीसरा दिन है, आज भी मैं दफ्तर में हूँ, और बस आज आपकी ईद का तीसरे तीन दिन तक मनाई जाती है और ईद ख़त्म हो जाएगी। मकसद यही है, मकसद क्या है, एक तो आप जाहिर है घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ मिल लेते हैं, उनको खुशियां मान लेते हैं, उसके बाद जो कुर्बानी हम करते हैं, आजकल वो ट्रेंड चला हुआ है ना कि जी बड़ा जानवर लिया है तो दिखाएं सबको, ये मैंने इतना ऊँट ले लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने इतना लाख का ले लिया, वो कहते हैं ना कितने का लिया कराची में, लेकिन मकसद ये नहीं है। कुर्बानी जो आप करते हैं असल मकसद जाहिर है ये भी है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने नफ्स की कुर्बानी करते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करते हैं, आप अपनी अना की कुर्बानी करते हैं, और जाहिर है जो जिन लोगों से आप, जो आपसे रूठे हैं या जिनसे आप रूठे हुए हैं किसी भी वजह से, बेशक किसी और गलती की वजह से, मकसद ये है कि आप उस अना को, उस ज़िद को कुर्बान करें, अपने नफ्स को कुर्बान करें, असल मकसद जो है ना कुर्बानी का वो है। तो आज के लिए इजाज़त दें, और अब ये सिलसिला जो है ना ये वाला ये अब चलता रहना है इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने बहुत पैसे पहले भी खर्च किए थे, अब एक और कुछ एक गैजेट मैंने ये वाला ख़रीदा, ये बड़ा काम की चीज़ है, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। इलाज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।